सॉरी, मुझे वीडियो बीच में बंद करनी पड़ी थी। तो ये है, हम कर रहे थे इवेंट्स लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ वॉर। तो कौन से इवेंट्स कहें थे? अगादीर क्राइसिस। अब अगादीर क्राइसिस क्यों हुई थी? हमने मोरक्कन क्राइसिस में पढ़ा था कि जब मोरक्को था वो फ्रांस लेना चाह रहा था और जर्मनी में वहाँ पे एक रिबेलियन शुरू करवा दिया था, वहाँ के सुल्तान की हेल्प करनी शुरू कर दी थी। तब जो भी फेज़ है, जो कि मोरक्को का कैपिटल है, इस पर फ्रेंच ट्रूप्स ने कब्ज़ा कर लिया था और फिर जर्मन इसके सपोर्ट में आया सुल्तान के। अब वो उसने अपनी गनबोट भेजी जिसका नाम था पैंथर। अब पैंथर जब गया तो जर्मन्स को ये तो लग रहा था कि वो हार जाएंगे, पर वो सोच रहे थे कि फ्रेंच कोई कंपनसेशन दे देगा उन्हें प्रेशर की वजह से और उन्हें फ्रेंच कॉन्गो मिल जाएगा एज ए कंपनसेशन। लेकिन यहाँ पर एक और कंट्री बीच में आ गई, वो थी ब्रिटिश। ब्रिटिश को यहाँ पे क्या डर लग रहा था? अब ये है मोरक्को, अगादीर इसकी पोर्ट है। तो फ्रेंच तो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अगर ये पोर्ट पे कब्जा कर लेगा तो कहीं ना कहीं ये जो सी है उस पर डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर देगा, तो उसकी सोवरेनिटी को ये खतरा हो जाएगा। तो अब ब्रिटिशर्स खुलेआम फ्रांस को सपोर्ट करेंगे और जर्मनी भी ये समझ जाएगा कि ये दोनों जब एक साथ हो जाएंगे तो वो लड़ नहीं पाएगा। तो लास्ट में ये अरेंजमेंट बनेगा कि जो जर्मन है सर वो मान जाएंगे मोरक्को फ्रेंच की प्रोटेक्शन के लिए और उन्हें फ्रेंच कॉन्गो की दो स्ट्रिप्स ऑफ टेरिटरी मिल जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत उन्हें कंपनसेशन मिल जाएगा। और जो यहाँ पे एक नेवल रेस चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन जीत गया था, मतलब 1898 से जो नेवल रेस इनके बीच में चल रही थी वो अपने एंड तक पहुंचने वाली थी और उसमें ब्रिटेन जीत रहा था और जर्मनी की जो नेवी थी वो पिछड़ रही थी। और यहाँ पे एक और स्पेशल चीज़ निकल के आएगी, वो था एंटिटी पावर्स, वो कहीं ना कहीं जीतेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है द फर्स्ट बाल्कन वॉर। बाल्कन कौन कौन सी कंट्री है? एक मिडिवल टाइम पे एम्पायर था ओटोमन एम्पायर, टर्किश ओटोमन एम्पायर, तो उसकी स्टेट्स थी सर्बिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, ये यहाँ पे है। तो सर्बिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो और ये बुल्गारिया, ये कभी ओटोमन एम्पायर का पार्ट थे, अब ये इंडिपेंडेंट हो गए थे। और जो टर्की है जिसको कि अब सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा था, ये उसकी टेरिटरी को भी वॉर कर करके कब्जा कर रहे थे। तो अब यहाँ पे ब्रिटेन और जर्मन ये दोनों आएंगे और एक अरेंजमेंट बनाएंगे इन कंट्रीज के बीच में कि ये जो टर्किश लैंड्स हैं वो आपस में बांट लें। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा एक सर्बिया को लेकर, सर्बिया नहीं अल्बेनिया। अब सर्ब चाहते थे जो अल्बेनिया है, ये है अल्बेनिया, ये है अल्बेनिया, सर्ब चाहते थे कि अल्बेनिया इनको मिल जाए ताकि ये सी पे कंट्रोल कर सकें। पर ये अरेंजमेंट में क्या हुआ? ये अरेंजमेंट में ये हुआ कि अल्बेनिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जिसे सर्बिया नाराज़ हो गए और ऑस्ट्रिया हंगरी कहीं ना कहीं खुश हो गया क्योंकि वो चाह रहा था कि सर्बिया अपनी ताकत ना बढ़ा सके। और यहाँ पे ब्रिटेन और जर्मनी का क्या फ़ायदा था? वो सबको दिखाना चाहती थी कि वो अब भी एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकेंड बाल्कन वॉर। अब फर्स्ट बाल्कन वॉर से तो कोई सेटिस्फाई हुआ नहीं था, काफ़ी दिक्कतें थी, तो अब सेकेंड बाल्कन वॉर शुरू हुआ, ये हुआ मैसिडोनिया के लिए। बुल्गारियंस चाहते थे कि जब मैसिडोनिया है ये उनको मिल जाए, पर जी ज़्यादातर मैसिडोनिया का पार्ट मिल गया था सर्बिया को जिसे वो बहुत डिससेटिस्फाइड थे। तो बुल्गारिया ने अटैक कर दिया सर्बिया पे और जब सर्बिया के सपोर्ट में जो बाकी कंट्रीज थी जैसे ग्रीस, रोमानिया, टर्की,
ये सपोर्ट करने में आ गए, और जिसे बुल्गारिया हार गया। और एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट, दे फोर्टिफाइड मोस्ट ऑफ देयर गेन्स फ्रॉम द फर्स्ट वार। इट सीम्ड दैट एंग्लो जर्मन इन्फ्लुएंस हैड प्रिवेंटेड एन एस्केलेशन ऑफ वार बाय रिस्ट्रेनिंग द ऑस्ट्रियन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था, अब इसमें ये हो रहा था कि बुल्गारिया तो हार गया और ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट हुई, फिर इसमें क्या अरेंजमेंट हुई, इसमें ये अरेंजमेंट हुई कि जो ब्रिटेन और जर्मनी है उन्होंने ऑस्ट्रिया को जो है ना सिर्फ प्रेशर बनाया कि वो सर बुल्गारिया की मदद ना करें, और जिसके कॉन्सिक्वेंस बहुत सीरियस होते हैं। लास्ट में क्या होता है, सर्बिया बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, ताकि वो ऑस्ट्रिया हंगरी से निपट सके, और ऑस्ट्रिया जो है वो भी खुद को बढ़ा रहा था कि वो सर्बिया को कमज़ोर कर सके, मतलब सर्बिया को हरा सके। दोनों को पता था कि आगे जाके हमें युद्ध करना ही है, तो दोनों एक दूसरे की पावर्स को बढ़ा रहे थे। और जर्मन का एक ग्रे पार्ट था, जर्मन का क्या ग्रेट पार्ट था, जर्मन ब्रिटेन को फ्रांस और रशिया से अलग करना चाहता था। ब्रिटेन जर्मन को पता था ब्रिटेन बहुत पावरफुल है, और उसको फ्रांस और रशिया और ब्रिटेन का जो एक कॉम्बिनेशन बन चुका था इसको तोड़ना चाहता था। तो इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को बुल्गारिया की सब की मदद करने नहीं दी। नेक्स्ट है द असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आर्च ड्यूके फ्रांस फर्डिनांड। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इस वॉर से ये पता चल, मतलब ये एक इमीडिएट कॉज जाके बनता है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने वाला था। तो कैसे हुआ, सार्जोवा ये कैपिटल है बोस्निया की, ये रहा ये है सार्जोवा, ये कैपिटल है बोस्निया की। तब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो सर्बिया पे अटैक कर देगा, जो कि बहुत जल्दी ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और क्या हो रहा था देखते हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आर्च ड्यूके जो कि नेफ्यू थे एम्पायर के फ्रांस जोसेफ के, और ये कहीं ना कहीं हियर थे, मतलब ये नेक्स्ट किंग बनने वाले थे। उन्होंने एक ऑफिशियल विजिट की थी सारा जेवो की, और इनको वहीं पर इनको इनकी वाइफ के साथ गोली मार दी गई थी। किसने मारी थी, गवरिलो प्रिंसिप ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है गवरिलो प्रिंसिप, कई बार आता भी है। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे पूरा पूरे ब्लेम लगाया कि उसने कहीं ना कहीं इसको फाइनेंस किया था, इसको सपोर्ट किया था, पर और उस पर काफ़ी सारी कंडीशंस लगाई ऑस्ट्रिया ने। सर्बिया ने मान भी लिया था, लेकिन ऑस्ट्रिया मानने को तैयार नहीं था, वो युद्ध करना ही चाह रहा था, वो वॉर को डिक्लेयर करना चाहता था। तो अब 28 जुलाई को क्या हुआ, 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया पे। द रशियन एनेक्सियस नो टू लेट द डिमांडेड दैट शुड बी कैंसल, सॉरी द रशियन एनेक्सियस नो टू लेट द सेल्फ डाउन अगेन। तो रशिया पहले से ही तैयारी करके बैठा था, मैंने पहले पढ़ा था कि रशिया जब पहला क्राइसिस हुआ था उसमें रशिया ने हेल्प नहीं की थी क्योंकि वो वीक था 1908 वाले में। अब वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था, तो 29 जुलाई को वो भी सपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद जर्मनी उसको परसुएड करेगा, पर जब वो नहीं मानेगा तो वो 1 अगस्त को रशिया पे और फ्रांस पे 3 अगस्त को वॉर कर देगा। अब जब जर्मनी फ्रांस के पास जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे, जर्मनी फ्रांस पे अटैक करेंगे तो यहाँ बेल्जियम की तरफ से जाएंगे, और बेल्जियम और ब्रिटेन की 1839 में एक ट्रीटी हो रखी थी जिसमें कहा था कि ब्रिटेन उसकी हेल्प करेगा अगर उस पर कोई वॉर करता है तो। तो अब ब्रिटेन किसकी साइड से होगा, वो होगा फ्रांस रशिया की साइड से, अब लड़ना शुरू कर देगा। अब वो कब आएगा,
4 अगस्त को ब्रिटेन, क्योंकि उसको बेल्जियम को सपोर्ट करना था। अब इस तरह से सारी कंट्री अलायंस बना लेंगी और एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये 6 अगस्त को वॉर डिक्लेयर कर देगा रशिया पे। अब ये इवेंट एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा वॉर छेड़ देगा, जिसको वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। तो एक क्रोनोलॉजी फिर से देख लेते हैं। तो स्टार्ट होगी 28 जुलाई से, ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर स्टार्ट किया सर्बिया पे, फिर 29 जुलाई को रशिया को देगा, फिर 1 अगस्त को जर्मनी कूदेगा रशिया के खिलाफ, और 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ, फिर ब्रिटेन कूदेगा 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ, और ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर करेगा वॉर रशिया पे 6 अगस्त को। तो 28, 29, 1, 3, 4, 6,